गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आपका मनी नाइन पर। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपके जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस खबरों का बुलेटिन मनी मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। गर्मी से परेशान लोगों के लिए आज की पहली खबर। चक्रवात रिमाल की वजह से बनी अनुकूल परिस्थितियों के कारण इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से दो दिन पहले ही केरल और पूर्वोत्तर में एक साथ पहुंच गया है। मौसम विभाग ने मानसून के 31 मई को केरल पहुंचने का अनुमान जताया था। सामान्य तौर पर मानसून 1 जून या फिर इसके बाद ही आता है। इस बार जल्दी मानसून के आने से उत्तर भारत में भी मानसूनी बारिश 15 जुलाई से पहले शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने के बाद भी रोटी महंगी हो गई है। गेहूं के घटते सरकारी स्टॉक को बढ़ाने और इसकी बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार 6 साल बाद फिर गेहूं का इंपोर्ट शुरू कर सकती है। इसके लिए सरकार गेहूं के इंपोर्ट पर लगे 40% आयात शुल्क को भी खत्म कर सकती है। गेहूं के ऊपर से इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म करने का फैसला जून में बनने वाली नई सरकार ले सकती है। पिछले 2 सालों में बेमौसम बारिश के कारण सरकार के गेहूं भंडारण में कमी आई थी। इस साल भी कुछ राज्यों में मौसम के कारण फसल प्रभावित हुई है। इस साल भी गेहूं की सरकारी खरीद लक्ष्य के अनुरूप नहीं होने की आशंका है, इसलिए सरकार अब गेहूं का आयात करने पर विचार कर रही है। खुदरा महंगाई दर आगे और नरम होने की उम्मीद है। हालांकि आरबीआई ने सप्लाई में रुकावट आने से फूड इन्फ्लेशन से जुड़े जोखिम का भी संकेत दिया है। आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी खाद्य कीमतों को स्थिर बनाए रखने की कोशिश आगे भी जारी रखेगी। इसका सीधा संकेत है कि प्रमुख नीति दर रेपो में फिलहाल कोई कटौती नहीं होने जा रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में आरबीआई की बैलेंस शीट का आकार 11% से ज्यादा बढ़कर 70 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। इससे ही आरबीआई को इस बार सरकार को रिकॉर्ड डिविडेंड देने में मदद मिली है। अब खबर है हेल्थ इंश्योरेंस वालों के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को अब कैशलेस ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट पर 1 घंटे के अंदर अप्रूवल देना अनिवार्य होगा। बीमा नियामक IRDI ने इस बारे में एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। IRDI ने इंश्योरेंस कंपनियों को डिस्चार्ज पर फाइनल कैशलेस ऑथराइजेशन बिल मिलने के 3 घंटे के अंदर अप्रूव करने को कहा है। सर्कुलर में कहा गया है कि ऑथराइजेशन में 3 घंटे से ज्यादा की देरी होने पर अतिरिक्त राशि का भुगतान बीमा कंपनी को शेयर होल्डर फंड से करना होगा। इंश्योरेंस कंपनियों को नए नियमों को लागू करने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर 2 नए प्रीपेड पैक लॉन्च किए हैं, जो नेटफ्लिक्स बेसिक सब्सक्रिप्शन के साथ अनलिमिटेड कॉल और डेटा की पेशकश करते हैं। इसमें यूजर्स को मोबाइल के साथ टीवी पर भी नेटफ्लिक्स देखने की सुविधा मिलेगी। पहला पैक प्रतिदिन 1.5 GB डेटा, अनलिमिटेड फोन कॉल और नेटफ्लिक्स बेसिक के साथ 998 रुपये में आएगा। इसकी वैलिडिटी 70 दिन है। दूसरा पैक 1,399 रुपये का है। इसमें डेली 2.5 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल, साथ ही नेटफ्लिक्स बेसिक की सुविधा 84 दिनों तक मिलेगी। मुंबई और गुजरात के ग्राहक 1,099 रुपये में 70 दिन की वैलिडिटी वाला पैक चुन सकते हैं। बैंकों में बिना दावे वाली जमा राशि सालाना आधार पर 26% बढ़कर 78,213 करोड़ रुपए हो गई। RBI के अनुसार मार्च 2023 के अंत में जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता फंड में 62,225 करोड़ रुपए जमा थे। सहकारी बैंकों सहित सभी बैंक खाता धारकों की 10 या अधिक वर्षों में उनके खातों में पड़ी हुई दावा न की गई जमा को RBI के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता फंड में स्थानांतरित कर देते हैं। बैंकों से जुड़े धोखाधड़ी के मामले बीते वित्त वर्ष में बढ़े हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में ऐसे कुल 36,075 मामले दर्ज किए गए। धोखाधड़ी में शामिल जो राशि है वो 13,930 करोड़ रुपए रही। प्राइवेट बैंकों में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी के मामले सामने आए। धोखाधड़ी में शामिल राशि के मामले में सरकारी बैंकों का योगदान पहले की तरह सबसे ज्यादा रहा। धोखाधड़ी पर रोक लगाने और भुगतान अनुभव को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से नए अधिनियम के तहत RBI रियल टाइम फंड ट्रांसफर से पहले भुगतान प्राप्त करने वाले के नाम की वास्तविक समय पर सत्यापन की संभावना टटोल रहा है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने एक नई एक्सीडेंट पॉलिसी पेश की है, जो पॉलिसी धारक की वित्तीय देनदारियों को भी कवर करेगी। दुर्घटना के बाद ही पॉलिसी अस्पताल में भर्ती और उसके बाद के खर्च के साथ ही पॉलिसी धारक के लोन और EMI का भी भुगतान करेगी। रिलायंस पर्सनल एक्सीडेंट 360 शील्ड भारत के साथ ही पूरी दुनिया में एक्सीडेंट कवर उपलब्ध कराएगी। ये नई पॉलिसी बीमा धारक को जरूरत के समय हर तरह का समर्थन सुनिश्चित कराएगी।
इसमें होम, कार और एजुकेशन लोन जैसी व्यक्तिगत और वित्तीय देनदारियों से लेकर कानूनी सहायता खर्च भी शामिल है। फिनटेक कंपनी फोनपे ने अपने प्लेटफॉर्म पर 6 श्रेणियों में सुरक्षित ऋण उत्पादों की पेशकश की है। फोनपे यूजर्स अब इस प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड लोन, गोल्ड लोन, बाइक लोन, कार लोन, होम लोन और एजुकेशन लोन ले सकेंगे। इसके लिए फोनपे ने टाटा कैपिटल, L&T फाइनेंस, हीरो फिनकॉर्प, मुथूट फिनकॉर्प, DMI हाउसिंग फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस, रूपे, बोल्ट मनी और ग्रेड राइट जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी की है। फोनपे ने अभी 15 कंपनियों के साथ भागीदारी की है। अगली तिमाही तक इसकी संख्या बढ़कर 25 की जाएगी। बीमा पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू में बढ़ोतरी हो सकती है। बीमा नियामक IRDAI सरेंडर वैल्यू को बढ़ाने वाले अपने प्रस्ताव पर दोबारा विचार कर रहा है। इस खबर के बाद बीमा कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है। खबरों के मुताबिक IRDAI बीमा कंपनियों से पॉलिसी वापस करने पर दी जाने वाली गारंटी राशि या स्पेशल सरेंडर वैल्यू को बढ़ाने के लिए कह सकता है। पहले IRDAI ने सरेंडर वैल्यू में बदलाव वाले प्रस्ताव को वापस लिया था। सरेंडर वैल्यू वो राशि होती है जो बीमा कंपनी किसी पॉलिसी धारक को मैच्योरिटी से पहले अपनी पॉलिसी को खत्म करने पर देती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर IRDAI सरेंडर वैल्यू बढ़ाने पर विचार करता है तो उससे बीमा कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। येस बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को तोहफा दिया है। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर बढ़ाने की घोषणा की है। बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली FD पर ब्याज दरों को बढ़ाया है। येस बैंक की नई ब्याज दरें 30 मई से लागू हो चुकी हैं। बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल वाली FD पर सामान्य नागरिकों को 3.25% से 7.75% तक ब्याज की पेशकश कर रहा है। सीनियर सिटीजन्स को 3.75% से लेकर 8.50% के बीच ब्याज मिलेगा। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं इसके अलावा आप पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को और ज्यादा समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।